नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है पल्सर 220 की ऑफ रोडिंग में। तो जैसे आप ये रोड देख रहे हैं, अभी अभी हाल ही में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। देख सकते हैं कि आप जो ये छोटे छोटे पत्थर हैं, इन पे अभी रोलर भी नहीं चलाया गया है, क्योंकि इसके बाद इसका डामरीकरण होना है। तो अभी इन पत्थरों को एकदम जो है बिछाए, तो इन पे रोलर भी नहीं चलाया गया है, तो ये एकदम ऐसे लूज कंडीशन में है। तो इसमें अगर हम बाइक चला रहे हैं तो एकदम इधर उधर हो रहे हैं, और बाइक को पूरा ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा, और डिसबैलेंस बाइक हो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसी रोड मिलती है। और रोड तो पूरी वैसी है, मतलब हल्की हल्की अभी कटिंग हुई है, तो आप समझ सकते हो कि कैसी यहाँ पे रोड है। और पहाड़ों में तो होता ही है, कितना स्लो होता है रोड में, आपको पता है। कभी आप पहाड़ों में चलाएंगे तो हायर सीसी की बाइक बहुत ही हेल्पफुल होती है। मतलब चलने को तो यहाँ स्कूटी भी चल जाएगी, या कम सीसी की जैसे कि स्प्लेंडर वगैरह, वो भी चल जाती है। लेकिन क्या करें, जो पावर लूज हो जाता है ना, क्योंकि उनको आपको फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में ही चलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हमारे पास है ये 220, तो ये तो पहाड़ों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग बेस्ट है, ऊपर से इसमें पावर अच्छा खासा है। तो जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ, मैं अभी फोर्थ गियर में चल रहा हूँ, और स्लोप इतना है कि बहुत ही ख़तरनाक वाला स्लोप है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, गिर गए थे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पीछे का टायर एकदम स्किड हो चुका था, और क्योंकि उस मोड़ पे क्या था कि एक तो स्लोप में वो मोड़ है, ऊपर से छोटे छोटे जो पत्थर है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, और रेत भी वहाँ पे बहुत है। तो थोड़ी सी भी डिसबैलेंस हुई तो पूरे गिरने का खतरा वहाँ पे बन गया था। आगे क्या खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं, उधर से ये पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे जो है पेड़ दिख रहे हैं, और पेड़ के ऊपर बर्फ़ लगी हुई है। तो शानदार नज़ारे दिख रहे हैं, और ऊपर से ये ऑफ रोडिंग, और इतना स्लोप है कि अगर आप यहाँ पे ब्रेक मारते हो तो चाहे आपने ब्रेक दबा रखे हैं, गाड़ी ने पीछे जाना ही है। तो यहाँ पे रोक के कोई फायदा है नहीं, आगे से भी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो भाई साहब, ये हो गया बहुत ही गंदा सीन, क्योंकि आगे से भी बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, पीछे से भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, हम रुक भी नहीं सकते यहाँ पे। और धूल इतनी उड़ गई है कि पूरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। तो अच्छा ये है कि हम चलते जाएं, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा बचा है, अगर हम रुकेंगे तो पीछे करीब करीब 15-20 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसकी वजह से हम पे और ज़्यादा धूल उड़ेगी, और फिर हमको आगे तो जाना ही है, तो वहीं पर कपड़े कपड़े झाड़ लेंगे।
यहाँ पे लग गया है फुल स्टॉप वाला जाम, मतलब आगे किसी ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी है और आगे सब लोग अब छोटी छोटी पार्किंग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आज शादी है इस गांव में और लोगों को पार्किंग की वही नहीं मिला। लगभग 60-70 गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है और ये है ब्रांच रोड है, यहाँ पार्किंग की वैसे ही लगाने की गाड़ी लगाने की जगह तो मिलती नहीं, तो जिसको जहाँ मिल रहा है उसने वहीं खड़ी कर दी और यहाँ पे एक जाम टाइप का लग गया है। पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो हम भी देखते हैं एक छोटी सी जगह और वहाँ नहीं आएगा। रुको, चलो मैं डालता हूँ। चलो दादा मैं